iota. Glasses. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टाटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा मैट्रिक्स बता दिया था और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेके आऊँगा। बट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैं सोच रहा था कि करवा दूँ आपको। तो तीन तरह के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको करवाता हूँ। अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आरसे केवाल के हर एक क्वेश्चन लगने लगेंगे और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लगने लगेंगे, मगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन का कंप्लीट लगाने के लिए आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी है। तो वो पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है। ठीक है, आई तो देखो इस तरह क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि राइट द ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इसका ऑर्डर हमें लिखना है। ठीक है ना, तो देखो पहला अगर हम देखेंगे तो कल ही मैंने आपको बताया था ऑर्डर देखने के लिए, है ना, कि रो एंड कॉलम देखना है हमें। तो कितना रो है, एक एंड दो, दो रो है, कॉलम देखेंगे एक दो तीन चार, चार कॉलम है। तो लिख देंगे यहाँ पर इसका आंसर, मैं यही लिख रहा हूँ आंसर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया, दो रो है ना, तो हमें मालूम है पहले रो लिखते हैं तो टू बाय कॉलम कितना है, चार है, तो चार तो 2/4 हो गया हमारा, बात समझ में आ गई। तो पहला का आंसर तो हो गया हमारा डन। दूसरा देखो, दूसरा अगर देखेंगे तो इसका ऑर्डर ए रो देखो, रो एक दो तीन, तीन रो है और एक दो तीन चार, चार कॉलम है। तो चलिए तीन रो हो गया, यानी कि आंसर जो हो गया इसका, हमारा आंसर जो हो गया वो क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी इज कितना ऑर्डर का है ये हमारा, तो ये 3/4 का है, तो 3/4 का हो गया। उसी तरह से अगर हम अगर सी का देखें तो सी में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है कि सी का अगर हम ऑर्डर देखें तो देखो ये तो एक दो तीन, तीन रो है, कॉलम देखें तो एक दो तीन चार पांच कॉलम है, बट यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये नहीं समझना कि मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, वैकेंट छोड़ दिया, नहीं, ये अगर कहीं ऐसा अगर ऐसा रहे कि कहीं भी एक जगह अगर छुटा हो, नहीं हो, तो इसका मतलब ये क्लियरली है कि ये जो है आपका मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं है। तो इसका आंसर लिख देना कि मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, आंसर मैट्रिक्स मैट्रिक्स सी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब ये आपको अब अलग टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट देन फाइंड देयर पॉसिबल ऑर्डर्स। तो 12 के जगह कुछ भी सकता है, 16 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, वट एवर द इट विल बी द क्वेश्चन इन क्वेश्चन। सो हाउ यू विल हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और सी। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल सी दैट द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, हम लोग क्या करेंगे एलिमेंट्स देखेंगे मैट्रिक्स का कि एलिमेंट्स कितना गिवन है। तो एलिमेंट्स देखिए तो 12 एलिमेंट्स हमें गिवन है, 12 एलिमेंट दिया हुआ। तो जो 12 एलिमेंट्स भाई आपको दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका ना 12 का फैक्टर्स निकाल लेंगे। समझो बात को, 12 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि A1, A11, A12 इस तरह से होगा। अब उसको किस तरह से अरेंज करोगे, मतलब समझो तो मैट्रिक्स जो बनेगा टोटल कितने सारे मैट्रिक्स बनेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स बन सकता है कि अगर मान लो कि 12 एलिमेंट्स हमको बनाना है तो ये A11, A12 ठीक है, A13 एंड शो ऑन, यहाँ तक आगे A112। तो 12 एलिमेंट हो गया इसमें, एक दो तीन चार, तो 12 एलिमेंट। तो ये आपका जो एक एक इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा और इसमें ये इसका क्या होगा ऑर्डर हमारा 1:1:12 का ऑर्डर होगा, है ना, 1:12, क्योंकि एक रो और कॉलम हमारा 12 हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से और भी इसके बनेंगे, जैसे कि और क्या बनेगा, एक तो आपने ऐसे बनाया, एक हम वर्टिकल बना सकते हैं इसी को A11, A12, A13, A1 से लेकर 12 तक, एक वैसा आपको जो है मैट्रिक्स बनेगा। और भी मैट्रिक्स बन सकता है, हम 2/6 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी कि ऐसे कि A11, A12 ठीक है, A21, A22 ठीक है, उस तरह से जो है आपका चलता चला जाएगा A61 और A62। देखो एक ये भी आपका मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, देखो तो इसमें 12 एलिमेंट, एक दो तीन चार, इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पे 12, 13 एलिमेंट्स आ जाएगा आपको अगर चलोगे तो। तो आखिर कितने आपको जो है मैट्रिसेस बन सकते हैं, वी हमको इसमें जो दिखाना है ये दिखाना है कि आखिर बताइए कि अगर 12 एलिमेंट्स हैं अंदर में तो कितने सारे मैट्रिक्स बना सकती हो। तो हम लोग 4/4 के भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो 4/4 नहीं 4/3 के भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अब वो सोचना है कि हमें कितने, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली क्या करेंगे फैक्टर्स निकाल लेंगे 12 का। इसके लिए इतना ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे 12 का, 12 का फैक्टर्स निकालो। तो फैक्टर्स ऑफ 12
12 का फैक्टर्स निकालो, तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा उसका फैक्टर निकालना। तो 12 का फैक्टर देखो क्या होगा, 12 किससे किससे कटेगा, तो 12 का जो है एक तो 1 से कटेगा, तो 1 into 12, तो 12 कितने कितने मल्टीप्लाई में 12 आता है हमारा, तो 1 into 12 करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 1 into 2। समझे इस बात को, कि अगर आप 12 का फैक्टर, चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ 12 का फैक्टर निकाल लेता हूँ, तो 12 का फैक्टर निकालो, 12 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 आपका 4 से कटेगा, 12 आपका 6 से कटेगा, ये इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स जो लिखेंगे तो इसको आप मैट्रिक्स देखना समझना बात हो कि मैट्रिक्स कैसे लिखते हो, और 12 खुद से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 12 आपका 12 से भी कटेगा, तो आपका जो मैट्रिसेस बनेंगे, हमें बोला कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो यही हमारा टोटल पॉसिबल ऑर्डर, जितना आपका फैक्टर्स आएगा उतना ही होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जो 6 हैं तो 6 ही बनेगा हमारा। अब वो ऑर्डर क्या क्या होगा, तो देख लो ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, अब ऑर्डर्स में बता देता हूँ, एक तो आपका 1 1/12 का ऑर्डर होगा, 1/12 का ऑर्डर होगा, ठीक है 1/12 का मैट्रिक्स बनाते, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा इसका जो रेसिप्रोकल ले लो कि 12/1 का आएगा, ठीक, एक 1/12 का, एक 12/1 का, दो मैट्रिक्स बन गया। दूसरा बनेगा हमारा एक 2/6 का मैट्रिक्स बनेगा, और फिर इसका एक उल्टा ले लो, यानी कि 6/2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो गया, 3 है, तो एक 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा, और एक आपका इसका उल्टा करोगे तो 4/3 का, यानी कि 4/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो टोटल इतने ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो टोटल पॉसिबल जो मैट्रिक्स होंगे आपको जो वो 6 होंगे, 1 is to 12, 1 by 12, 12 by 1, 2 by 6, 6 by 2 and 3 by 4 and 4 by 3, तो इतने सारे मैट्रिक्स आपको बनेंगे, ये पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे। तो ये दो क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन इस पे और इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको पहले करवा देता हूँ, वो भी देख लो आप। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके बुक में है, और ये कर लोगे, इतना सा कर लोगे इसको समझ जाओगे, तो आपको एटलीस्ट आर्ट्स अग्रवाल का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, बाकी एनसीईआरटी का उसमें कुछ डॉट्स रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को उसके लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे क्या करना है। ये देखिए, तो इसमें जो है हमें बोल दिया गया कि इस क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, तो 2/3 का एक मैट्रिक्स हमें बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज, क्या बोल रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू 2i + 3j, ये हमें बोल दिया। तो 2/3 का हमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स हमें बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले है ना कि जो 2/3 का जो आपको जो मैट्रिक्स हमें बनाने के लिए बोला है, तो उसको उसका एक हम लोग पहले ढांचा बना लेंगे। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन हो, तो क्या कर रहा हूँ मैं कि लेट ए बी आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 बोला ना, तो 2/3 देन तब क्या होगा हमारा, तो पहले हम वो मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2/3 यानी कि 2 रो एंड 3 कॉलम होगा, तो चलो उसका हम लोग बनाएंगे, तो वो ऐसा बनेगा a11 a12 a13, है ना, देन क्या हो जाएगा हमारा कि a21 a22 a23, ठीक, एंड और क्या हो जाएगा हमारा a 2 ही तो बोला था, बस हो गया ये, चलिए तो देखो, तो ये एक रो दो रो हो गया, 3 कॉलम, 1 2 3 3 कॉलम, यानी कि बन गया हमारा, यानी कि 2/3 का ये हमारा ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ गया है। हम लोगों ने एक ए मैट्रिक्स माना था, तो ए इज इक्वल टू मैंने ये मैट्रिक्स मान लिया। अब देखो इसके एलिमेंट्स का जो, देखो हमें मालूम है कि इसको बोलते हैं आई और ये होता है जे, A11 जो है हमारा एक होता है आई और दूसरा होता है जे, वही हमको आई जे का जो है ए आई जे इज इक्वल टू हिंट में दे दिया है कि 2i + 3j, ये हमें दिया गया है, तो इसी हिंट से जो हम लोग निकालेंगे। तो अब देखो क्या हो गया कि नाउ सी, नाउ क्या है, वी हैव क्या है हमारे पास में कि ए आई जे इज इक्वल टू 2i + 3j, ये हमें दिया हुआ, तो इसी के हेल्प से हम लोग सारा निकालेंगे। तो अब देखो हम लोग निकालते हैं a11, तो a11 इज इक्वल टू क्या होगा, i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 होगा, तो a11 निकालते, तो जहाँ जहाँ i है वहाँ वहाँ 1 डालेंगे, तो 2 है तो 2 लिखो, i की जगह पर 1 डालेंगे 1 + 3 की जगह 3 रखो, और i की जगह j की जगह भी मेरा 1 है तो 1 डालो 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 और + 3 × 3, तो 2 + 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 5। चलिए a12 निकालो, 12, तो a12 क्या हो जाएगा हमारा फिर से, तो 2 × i की जगह पर 1 है तो 1 डालो, प्लस फिर 3
इंटू जे की जगह पर टू है तो टू डालो इज इक्वल टू, तो इसको जब सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो टू हंड्रेड टू और थ्री टू या सिक्स, तो सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा एट, तो ये आ गया हमारा एट। चलिए फिर इसके बाद ए वन थ्री निकालेंगे, तो वन थ्री तक है ना, ए वन थ्री, ए वन थ्री जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू, सॉरी टू है ना, हाँ तो टू इंटू जे के आई की जगह पर वन है तो वन प्लस थ्री इंटू जे के प्लेस पर क्या है थ्री है तो थ्री इज इक्वल टू, देखो तो थ्री थ्री जो नाइन और टू वन जो टू, तो नाइन प्लस टू इलेवन, तो ये आ गया हमारा इलेवन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए टू वन निकालेंगे जो कि हमको वहाँ बोला है ए टू वन, तो ए टू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा कि टू इंटू आई, आई की जगह पर हमारा क्या है टू है तो टू प्लस थ्री इंटू आई की जगह जे की जगह पर क्या है वन है तो वन इज इक्वल टू, तो टू वन जो टू, टू टू जो फोर और फोर और थ्री वन जो थ्री, तो फोर प्लस थ्री कितना हो गया सेवन, तो ये आ गया सेवन। ठीक फिर ए टू टू निकालो, तो ए टू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू इज इक्वल टू, तो टू टू जो फोर और थ्री टू जो सिक्स, तो फोर प्लस सिक्स टू सिक्स कितना हो जाएगा टेन, तो ये आ गया टेन। उसके बाद हम लोग ए टू थ्री निकालेंगे, ये जो टू थ्री है हमारा ये निकालेंगे ये लास्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए टू थ्री, तो टू इंटू ए आई की जगह पर टू है तो टू प्लस थ्री इंटू जे की जगह पर थ्री है तो थ्री इज इक्वल टू, तो टू टू जो फोर, थ्री थ्री जो नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन, तो ये हो गया हमारा थर्टीन। अब हमारा मैट्रिक्स निकल गया, तो देयर फोर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैट्रिक्स बना लो, तो मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो क्या आ रहा है हमारा ए वन वन की जगह पर आया है फाइव, तो ये डालो फाइव, ए वन टू की जगह आया है एट, तो ये हो गया एट, तो ये आया है इलेवन, देन सेवन, देन टेन, देन थर्टीन। ओके तो ये हमारा मैट्रिक्स टू बाई थ्री का बन के हो गया तैयार, तो यही हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरह से आपको बनाना है। तो आर्यस अग्रवाल में आपको जो है इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है आर्यस अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज का वो बन जाएगा। एनसीईआरटी के लिए हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी हमारा डाला हुआ है, तो जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरा पढ़ा दूंगा तो एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है उसका उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा हर एक क्वेश्चन के साथ में, चाहे वो एग्जाम्पल हो एक्सरसाइज हो। तो फिर ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कि हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप देखना जरूर उसको।